हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पाठ्यपुस्तक से चैप्टर नंबर 2 को, जैसा सवाल वैसा जवाब। इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, उससे पहले आपको एक मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। सवाल है कि आप बताइए, अकबर के दरबार में ऐसा कौन व्यक्ति था जो काफ़ी बुद्धिमान था, अपनी बुद्धि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। आप में से ज़्यादातर बच्चे यही जवाब देंगे, बीरबल। क्या जवाब देंगे? बीरबल। तो आइए हम लोग जानते हैं। आपको पता है कि अकबर भारत के एक प्रसिद्ध राजा थे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे, यानी कि बीरबल को नीचा दिखाने के लिए उसमें उसके जो बहुत जो दरबारी लोग थे हमेशा प्रयत्न करते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी था, उसका नाम क्या था? ख्वाजा। क्या नाम था? ख्वाजा सरा। क्या था? ख्वाजा सरा। को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से कुछ नहीं होता है, होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नखरखानों में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? तो आपने देखा कि जो ख्वाजा साहब थे, बीरबल को हमेशा नीचा दिखाना चाहते थे, मगर उसकी एक नहीं चलती थी। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उसे विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। यानी कि ख्वाजा के दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न हुए, वह सोचता था कि इन प्रश्नों को बादशाह के सामने ले जाएंगे और बादशाह उससे सवाल पूछेगा और बीरबल जवाब नहीं दे पाएगा। इस तरह उसकी बहुत बदनामी होगी दरबार में। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीनों सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले, उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपनाह, जरूर दूंगा। खुशी से पूछे, जहाँपनाह यहाँ राजा के लिए प्रयोग किया जाता है। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? पहला प्रश्न क्या था बच्चों? संसार का केंद्र कहाँ है? ठीक है, किससे पूछा गया? बीरबल से पूछा गया। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब बीरबल को लगता था कि सारी दुनिया को तो ख्वाजा साहब नाप नहीं सकते हैं, इसलिए उसने उसके प्रश्नों के अनुकूल ही उसका जवाब दिया। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? अकबर का दूसरा प्रश्न क्या था? आकाश में कितने तारे? किससे प्रश्न था? बीरबल से। अब देखिए बीरबल क्या जवाब देता है। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। अब ऐसा सवाल जो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा था उसका जवाब देना, मगर बीरबल ने तुरंत ही जवाब दे दिया और भेड़ मंगवा कर कहा कि इसके बालों के उस इसके शरीर पर जितने बाल है उसे गिनकर ये देख सकते हैं, क्योंकि इसके पास जितने बाल है भेड़ के पास उतने ही आसमान में पूरे तारे हैं। और बाल गिनना तो मुश्किल था, ऐसा बीरबल भी जानता था। अब अकबर तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी? आबादी का मतलब जनसंख्या, यानी कि संसार में कितने लोग हैं? अब बीरबल का जवाब क्या है देखिए, जहाँ पना किसके लिए यूज होता है, प्रयोग होता है? राजा के लिए। संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकुड़ कर बोले, ऐसे गुलमटोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब देखिए, अब सारे दुनिया के लोग एक जगह इकट्ठा करना उतना आसान नहीं है, यह बीरबल अच्छे से जानता था, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया।
बिरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। चलिए बच्चों अब हम लोग आते हैं। अच्छा ये सवाल चैप्टर था, ये चैप्टर आपने जो पढ़ा समझा इसका मतलब, इससे क्या शिक्षा मिलती है? इसका शिक्षा मिलती है कि जैसा सवाल होता है जवाब भी उसी के अनुरूप दिया जाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह पूजे जाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला सवाल है कि ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या और कोई जवाब हो सकता है, अपने मन से सोचकर लिखे। पहला, हाँ इसका आंसर होगा हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल क्या था, संसार का केंद्र कहाँ। ये जो है पहला सवाल है, आपको ये सवाल अपनी कॉपी में लिखना है, ये पहला सवाल है, ये कॉपी में लिखना है और इसका आंसर क्या देना है, हाँ हाँ देना है। पहला सवाल लिखना, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ, आंसर में लिखना है। इसका सवाल आप अपने मन से भी दे सकते हो, हालांकि मैं इसे बता रहा हूँ, आप ये भी लिख सकते हो या इसके अलग भी लिख सकते हो। इस सवाल का जवाब हो सकता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है, ख्वाजा सरा नाप कर देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल एकदम बिरबल की तरह ही ये भी जवाब है। दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे थे। इसका उत्तर हो सकता है कि एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही क्या है, तारे। ख्वाजा सारा दोनों को गिनकर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा काम है ख्वाजा सारा के लिए उसे गिनना। तीसरा सवाल क्या था, संसार की आबादी कितनी है। तो इसका उत्तर हो सकता है, ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है, वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवाकर गिन सकते हैं। अब चलिए ये पहले प्रश्न का आंसर ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला प्रश्न है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल करते। अगर तुम ख्वाजा सरा के जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल करते। चलिए मैं देखता हूँ, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए सवाल पूछता कि बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश निकाल देना चाहिए, देश निकाला दे देना चाहिए, बादशाह ने झूठ बोला या सच। ये सवाल है, इससे अलग भी आप सवाल बना सकते हो। यहाँ दिया हुआ है, विद्यार्थी अपनी अपनी इच्छा अनुसार सवाल बनाए। चलिए तीसरा सवाल है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते, अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। तो यहाँ पर है, अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूँ और सारी दुनिया की सैर करूँ, संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रिज में रख लूँ और जब भी चाहे खा लूँ। ये क्वेश्चन इसे आप अलग भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आंसर या सेम लाइन आप भी लिखो, ये सब अपने से करना है, ऐसा सेम लिख सकते हो या अपने से अलग लिख सकते हो। चलिए अब हमने देखा ये जो सवाल है यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो भी है ये अपनी कॉपी में लिखना है, बस इतना ही लिखना है, और क्या लिखना है मैं आपको आगे बताता हूँ। और आपको नेक्स्ट यहाँ से लिखना, ये जो भी सवाल है अपने कॉपी में आप लिख सकते हो। यहाँ पर है ये, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के खीसे प्रसिद्ध है, उनके नाम पता करो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है तेनालीराम जो बीरबल की तरह ही काफ़ी बुद्धिमान थे, मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भाट, शेख चिल्ली और लाल बुझक्कर, ये आप लिख सकते हो, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगहों में लिखे। अब देखिए नीचे जो शब्द लिखा हुआ है ये क्या है, ये बुद्धिमान है, बुद्धिमान का जो सेम शब्द वैसा ही होगा समझदार, मूर्ख का मतलब बेवकूफ़ भी होता है, अभिमान का मतलब घमंड भी होता है, और विश्वास का मतलब यकीन भी होता है, और संसार का मतलब दुनिया भी होता है, और कोशिश का मतलब प्रयत्न भी होता है। इसके सामने जो भी शब्द दिए गए हैं सबका सेम अर्थ है, आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, नीचे लिखे जो मुहावरा लिखा हुआ है और उस मुहावरा से वाक्य बनाना है। देखिए क्या है मुहावरा, नाक बहो सिकुड़ाना, क्या है नाक बहो
सिकुड़ाना। तो इसे आप इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है इसे अलग भी आप सेंटेंस बना सकते हो। गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाग वह सिकुड़ाने लगी। नेक्स्ट है कलई खुलना यानी कि पोल खुलना। परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। बच्चों ये रहा आपका चैप्टर, इसे आप अपने जो क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में इसे आप अच्छे से लिख सकते हो।